पूरी हुई माता पार्वती की मनोकामना। हरियाली तीज। एक बार महादेव ने देवी पार्वती को पूर्व जन्म की याद दिलाते हुए कहा, हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया, साथ ही तुमने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया था। एक बार नारद मुनि आपके पिताजी के पास पहुँचे और कहा, भगवान विष्णु आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। यह बात सुनकर पर्वतराज खुश हो गए और उन्होंने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यह बात तुम्हें पता चली तो तुम्हें दुख हुआ, क्योंकि तुम मन में से मुझे अपना पति मान चुकी थी। शिव जी ने पार्वती को बताया, इसके बाद तुम अपनी सखी के कहने पर घने जंगल में गुफा में शिवलिंग बनाकर तप करने लगी थी। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर दर्शन देकर मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव जी के साथ करवाएंगे। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारे तप और हट के आगे पिता ने तुम्हारा विवाह मुझसे कराने की सहमति दे दी। मान्यता है कि जो भी महिला हरियाली तीज पर विधि विधान के साथ व्रत रखती है तो उसके वैवाहिक जीवन से संबंधित संकट दूर हो जाते हैं। इससे शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। इसलिए हरियाली तीज वाले दिन सभी सुहागन देवी पार्वती और भगवान शंकर की पूजा अर्चना करती हैं और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन अगर कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं तो उन्हें अपना मनचाहा जीवन साथी मिलता है। हैप्पी हरियाली तीज। धन्यवाद।